हेलो दोस्तों, मैं हूं कंचन शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड्स लवर्स में। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूं हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जिसका नाम है इंस्टेंट पोहा उत्तपम, जो कि बहुत हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। इसे बनाने के लिए कुछ विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, घर में पड़े चीज़ों से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो ये बहुत हेल्दी के साथ साथ बहुत कम में तेल में बनकर तैयार होती है। तो आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकती हैं। चलिए दोस्तों, इंस्टेंट पोहा उत्तपम की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक बाउल में 1 कप पोहा लेंगे, जिसे चिवड़ा भी बोलते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम धोकर बहा देंगे। 1-2 बार हम इसे धोकर बहा देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर पोहे को 5 से 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। तो देखिए, मैंने पोहा को धो लिया है 2-3 बार और हम इसमें पानी डालकर रख दिए थे। और देखिए, पोहा पानी किस तरह से सोख लिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालते हैं। तो देखिए, हम इसमें पोहा डाल दिए। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब दही डालेंगे और इसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकालकर इसमें 1/2 कप सूजी डालेंगे। आप सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हो। तो देखिए, अब हम इसमें 1 कप पानी डाल दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए, इस तरह से हम मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो देखिए, हमारा बैटर 15 से 20 मिनट के बाद सूजी फूल चुका है और कितना अच्छा तैयार हो चुका है। तब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ कटी हुई सब्जियाँ ली हूँ। 1 कटी गाजर, 1 हरी मिर्च, 1 प्याज, कुछ धनिए के पत्ते कटे, 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च। तो चलिए, इन सभी सब्जियों को हम एक बाउल में डाल लेते हैं। ठीक है, सब्जियों को हम बाउल में डाल चुके हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम बैटर में 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा बैटर में अच्छे से सोडा मिक्स हो चुका है। तो अब देखिए, गैस ऑन कर हम एक तवा चढ़ाती हैं और हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसे ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों ओर। तो देखिए, अब हम इसमें 1 कड़छी बैटर डालेंगे और इसे हल्के हाथों से फैलाएंगे। मैं इसे ज़्यादा नहीं फैलाना है। तो देखिए, अब इसके ऊपर हम कटी हुई जो सब्जियां हमने मिलाकर रखी थी नमक के साथ, वो डाल देते हैं। इस तरह से हम इसे डालकर फैला देंगे और इसे एक साइड से हल्का पकने देंगे जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, हमारा एक साइड तरफ से हो चुका है, तो हम इसे पलट देते हैं। देखिए, हल्का कलर आ चुका है। अब हम इसे दूसरी ओर से भी अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए, चेक कर लेते हैं हमारा दूसरी तरफ से भी उत्तपम पका है कि नहीं। तो देखिए, हमारा उत्तपम दोनों तरफ से अच्छे से सीख गया है और अच्छा सा कलर आ चुका है। तो ये अब तैयार है, अब इसे निकाल लेते हैं। तो हम इसी तरह से अब दूसरा भी तैयार कर लेंगे। तो हमने ऑयल से ब्रश किया और करछी से फिर 1 करछी बैटर डाला, फिर इसे हल्का सा पकने देंगे। अब हम इसके ऊपर सब्जियां डाल देंगे। इस तरह से हमें फैला देना है सब्जियों को और इसे एक तरफ से पकने देंगे इसी तरह। तो देखिए, इस तरह से हल्का हल्का सब्जियों को हम दबा लेते हैं। तो
देखिए हमारा एक तरफ से सेक गया है उत्तपम, अब हम इसे पलट कर दूसरी ओर से भी सेक लेते हैं। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके हम इसे दोनों ओर से सेक लेंगे। तो देखिए हमारा उत्तपम दोनों ओर से सिक चुका है। तो इस तरह से हम सारे उत्तपम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा यह दूसरा भी हो चुका और हमने सारे उत्तपम बनाकर तैयार भी कर चुकी हूँ। तो दोस्तों आज की मेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट इंस्टेंट पोहा उत्तपम की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।